हेलो दोस्तों, एमबीटेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऐप लेके आया हूँ कि आप अगर ट्रेन से कहीं यात्रा करते हो, जैसे कि अगर आप सेकंड सीटिंग या स्लीपर टिकट को बुक करते हो, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि आपकी सीट किस बोगी में किस साइड है और कहाँ पर आएगी। और आप इस ऐप की मदद से पता कर सकते हो कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी और आपकी बोगी आगे लगी हुई है या पीछे है या फिर बीच में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। तो प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद डालेंगे, सर्च में डालेंगे वेयर इज माई, वेयर इज माई, जैसे कि आप देख सकते हैं वेयर इज माई ट्रेन। इसको हम ओके करेंगे और जैसे आप ऊपर देख सकते हो वेयर इज माई ट्रेन ओपन। दोस्तों, इसका यूज मैं ऑलरेडी पहले से कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर ये ओपन बता रहा है। आप इसे यहाँ से इंस्टॉल करें, यानी डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद इसे यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के लिए मैं यहाँ से दिल्ली से एक ट्रेन सर्च करता हूँ। न्यू दिल्ली को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं कानपुर सेलेक्ट करता हूँ और फाइंड ट्रेन। तो गाई आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली से कानपुर की तरफ जाने वाली सारी ट्रेन की आपको यहाँ पर लोकेशन बता दी गई है। दिल्ली से कानपुर जाने वाली किसी एक ट्रेन को मैं ओके कर लेता हूँ, नेताजी एक्सप्रेस को मैं ओके कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 10:15 पर अभी मेरे मोबाइल में टाइम हुआ 10:30, और आप देख सकते हैं 10:15 पर ये फिरोजाबाद पर थी। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि आपकी लाइव लोकेशन क्या है और हमारी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक आ चुकी है। अब हम चलते हैं सीट की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर पूरी ट्रेन की लोकेशन बता दी गई है। सबसे पहले जो आगे लगता है इंजन, उसके बाद एल, DL2, D3, S11, S10 और लास्ट में S6, उसके बाद में A3। और जैसे कि आप और इसको आगे लेके जाएंगे तो S82, A3, और इस प्रकार आप अपनी ट्रेन के अंदर आपका बोगी यानी आपका डिब्बा किस जगह पे आएगा, आगे आएगा या पीछे आएगा, इस प्रकार आप पता कर सकते हो। उसके बाद आप किसी एक डिब्बे को ओके करेंगे, जैसे मैं S4 को कर देता हूँ। S4 में कौन सी सीट किस साइड है आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे दी जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यानी एक बोगी के अंदर, स्लीपर बोगी के अंदर 72 सीटें होती हैं। तो जैसे कि 68, 69, 70, 72, और आप पता कर सकते हैं कि आपकी सीट लोअर है, मिडिल है, अपर है या फिर एस लोअर है। तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको सेकंड सीटिंग भी बता देता हूं मैं। तो सेकंड सीटिंग यानी D2, DT को हम ओके करेंगे तो आप देख सकते हो D2 के अंदर 103 सीटें होती है, यानी जनरल, जिसे सेकंड सीटिंग भी हम बोलते हैं। तो सेकंड सीटिंग में आप अपनी सीट को पता कर सकते हो। और बैक करने के बाद दोस्तों, आप अगर आपने टिकट बुक करा दिया तो आप यहां से PNR नंबर को भी सर्च कर सकते हैं। यहां पर आप अपने PNR नंबर को इंटर करेंगे और फाइंड कर देंगे, आपकी टिकट की लोकेशन बता देगा कि आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है या फिर नहीं। अगर आप टिकट बुक करना चाहते हो तो टिकट्स पर जाएंगे और यहां पर आप सर्च करेंगे और यहां से आप डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहां से इसे बुक टिकट ऑन गूगल, आगे की प्रोसेस के साथ आप टिकट बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।